चार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्सटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इन द सेम। एक सर्किल है जिसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बने, यानी कि ऐसा कुछ, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सब्टेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ सेंटर। ये प्रूव करता है अगर इसका सेंटर यहां पे है तो ये यहां कहीं मिलेगा, ओ ए बी सी, ठीक है। इसमें गिवन क्या हुआ है, गिवन है इसमें ए बी इज अ टेंजेंट, बी सी इज अ टेंजेंट, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। ए बी और बी सी एक टेंजेंट है, ये दिया हुआ है बस। टू प्रूव क्या करना है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सप्लीमेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सेंटर। इसका मतलब ये प्रूव करना है कि दो टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है, यानी कि एंगल एबीसी प्लस लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट जॉइनिंग द सेंटर, लाइन ऑफ कॉन्टेक्ट जॉइनिंग द सेंटर दोनों टेंजेंट के लिए, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो है एंगल बीओसी, इसको 180 डिग्री प्रूव करना है। बहुत इजी, बहुत इजी आंसर, ठीक हो गया। ए बी सी और एओसी का सम जो है वो 180 डिग्री प्रूव करना। तो ये बढ़िया है, कैसे बढ़िया, ट्रायंगल का सम 180 होता है क्या? ट्रायंगल है, ट्रायंगल कहां है, ए चार साइड है उसमें, सी ट्रायंगल में चार साइड होती है, क्या बहुत इजी है। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस, रेडियस जो है वो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, और ऐसे इसमें जो है इसमें वो ये जो है वो रेडियस है, ये भी जो है टेंजेंट है, इसका मतलब ये दोनों 90 डिग्री हो गए। उतना हम एक मिनट, एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेम रीजन के लिए, ठीक है। अब क्या ले लेते हैं, एंगल ए बी सी प्लस ए ओ सी, नहीं रुक, क्यों, ए बी सी ए ओ सी इन क्वाड्रिलेटरल, चार साइड वाला फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल होगा, ए ओ सी बी पूरे को क्वाड्रिलेटरल ले लिया, एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू कितना होता है, 360। इसमें लिख देना सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक हो गया। बी ए ओ जो है वो 90 डिग्री है, ए ओ सी हमें पता नहीं है, ओ सी बी 90 है, सी बी ए हमें पता नहीं है, 360 डिग्री, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 360 माइनस 90 180 हुआ, उधर जाके माइनस हो गया, 180 बचेगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 ये प्रूव करना बस खत्म करो।
सर्किल टफ है कह रहा, कुछ टफ नहीं है सर्किल, ऐसी क्वेश्चन है उसमें सब। गिनती की तीन चार थ्योरम में जो लिखा दी थी वही लग रही है सब जगह। नोट करो, है तो इस्तेमाल करो, देखते हैं टेस्ट ले लूँ चैप्टर का इसके बाद। हाँ देखते, चल ठीक है, नोट करो। सर्कमस्क्वायर में क्या होता है पता है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज इको इज अ रोम्बस। इसका मतलब कि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्किल पूरी तरह से फिट हो जाता है, जब हम उसे बनाते हैं तो चारों लाइन को टच करता है, तो वो एक रोम्बस होता है। तो ये प्रूव करना है। इसमें गिवन है हमें, क्या गिवन है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। क्यों? क्योंकि क्यों इक्वल बता, हाँ बड़ा कह रहा है बता वाली है उसके क्या 90 डिग्री क्या है रेडियन कैसे क्या कहते हैं भैया एंगल एस ए पी जो 90 डिग्री एंगल क्यू वी पी जो 90 डिग्री कैसे 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 कहाँ लिखा है 90 डिग्री कहाँ लिखा है कहाँ लिखा है इसमें AP जो है वो AS के इक्वल होगा। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल AP इज इक्वल टू AS हो गया। वैसे PB इज इक्वल टू QB सेम रीजन और QC इज इक्वल टू CR QC equals to CR RD is equal to SD RD is equal to SD SA equal to UB C AB CD पहली दूसरी तीसरी और चौथी ऐड कर देते हैं एक सरल से ऐड ऑल इक्वेशन। तो एबी प्लस ईबी प्लस सीआर प्लस आरडी इज इक्वल टू एएस प्लस क्यूबी प्लस क्यूएस प्लस एसडी। ठीक है, अब एबी प्लस पीबी क्या होगा? AB, CR plus RD क्या होगा? CD, AS plus QS, AQ, AS, AQ, QB और नहीं AS plus ना AS plus SD ये होगा AD, QB plus QS होगा QB plus QS QS तो यहाँ भी नहीं था, QC था ऐसे। AS plus SD AD हो गया, QB plus QC हो गया BC। AB plus CD is equals to AD plus BC। हाँ। अब क्या है? हमें given है, AB जो है वो CD के equal है और BC जो है वो AD के इक्वल है। BC AD के इक्वल है। अब यहाँ पे चेंज कर देते हैं, CD की जगह AD लिख देते हैं और
सी डी की जगह ए बी लिख देते हैं, नहीं इसको एडजेसेंट लाइन को इक्वल बनाएंगे तो सही होगा, ए बी और बी सी को इक्वल बनाना है। हाँ तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी, तो टू ए बी इक्वल टू टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी बी सी के इक्वल टू हो गया और बी सी जो है वो ए डी के इक्वल गिवन था और ए बी जो है वो सी डी के इक्वल गिवन था, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, चारों साइड आपस में प्रूव हो गई, तो देयरफॉर गिवन पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। बस खत्म, रोम्बस प्रूव करने के लिए खाली चारों साइड इक्वल प्रूव करनी होती है, इसके अलावा कुछ देखो सब आता था कर नहीं पाता था, पता नहीं क्यों। दो क्वेश्चन और है, फटाफट कर ले, खत्म हो जाएगा। अब क्या है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल में सी डी की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, डी बी की दी हुई है 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको भी कुछ मान लेते हैं, इधर ई मान लेते हैं, इधर एफ मान लेते हैं, ठीक है। सी डी जो है वो 6 है, डी बी जो है वो 8 है, तो सी एफ जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी, क्यों मंडी तो मंडी जोर जोर से हिला रहा हूँ, क्यों सी एफ जो है वो 6 सेंटीमीटर होगी, सी एफ सी डी 6 है, सी एफ हाँ भैया क्यों वो इसलिए हाँ भैया हो गया तो पास इस बार। Tangent drawn from external point are equal. वैसे ही BE जो है वो 8 सेंटीमीटर होगी, सेम चीज। ठीक, अब हमारे पास सी एफ है, बी ई है, सी डी है, डी बी है, लेकिन ए एफ और ए ई नहीं है। हम मान लेते हैं ए एफ जो है वो एक्स है और ए ई जो है वो भी एक्स होगी, सेम रीजन, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक, अब ए बी की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस एक्स होगी, बी सी की वैल्यू क्या होगी, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर होगी, AC की वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस एक्स, तीन साइड निकल गई। ठीक, अब इसको भी जरूर इन ट्राइंगल ए बी सी एस इज इक्वल्स टू 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स अपॉन 2, हिरोल्स फॉर्मूला, सेमी पेरिमीटर। ठीक, यहां ये क्योंकि हमें ए बी और ए सी की वैल्यू निकालनी है, उसके हम उसके लिए हमें इस ट्राइंगल के एरिया की जरूरत होगी। हाँ तो एक जगह लग गया तो बहुत ज्यादा लग गया, ना के बराबर लग गया, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई इस चैप्टर की। अब आ रहा है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये हो गया, इसको प्लस करेंगे आगे तो ये आएगा 28 प्लस 2x अपॉन 2 यानी कि 14 प्लस x, 14 प्लस x आई हमारी s की वैल्यू, तो
फिगर बताने पहले फिर मिटाना पड़ सकता है लंबा क्वेश्चन। 14 प्लस एक्स आई एक्स की वैल्यू एस की वैल्यू सर जल्दी 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 बनो क्योंकि टाइम नहीं है। ये क्वेश्चन कम से कम एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी कह रहा था अभी लास्ट क्वेश्चन फिर बचा है इसके बाद। एस की वैल्यू ये आ गई। अब निकालते हैं एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अंडर रूट एस एस माइनस ए कितना है 8 प्लस एक्स एस माइनस बी एस माइनस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 14 प्लस एक्स सॉल्व नहीं होगा अंदर इधर 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स बचेगा ना भी 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स रूट के अंदर 14 प्लस एक्स एक्स और एक्स कट गया तो 6 एक्स और 8 क्या अब इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 48x इनटू 14 प्लस एक्स 48 को रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 4 रूट 3 रूट 3 अंदर क्या है 3x 14 प्लस एक्स। कोई दिक्कत है इतने में फिर बता एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया ठीक है। अब फिगर में देखना एरिया ऑफ ट्राइंगल ओबीसी देख इसमें ओबीसी कहां पे फिगर में दिख रहा कुछ फिगर फिर बनाना पड़ेगा दिख रहा ओबीसी ट्राइंगल नहीं बन रहा भी है क्यों ओबीसी ट्राइंगल नहीं बन रहा देख तरफ से देख अरे इसे लंबा भी तो करना है यार मतलब किया ऐसे करके फिर यहाँ से ऐसे करके लाइन जाएगी एक यहाँ से ऐसे करके लाइन जाएगी एक यहाँ से ऐसे करके जाएगी बीच में वो है यहाँ ए है यहाँ बी है यहाँ सी है यहाँ डी है और क्या क्या बनाया था यहाँ ई है यहाँ एफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी यानी कि ये वाला ट्रायंगल ओबीसी ठीक है निकालना क्या है इसमें अभी बता दिया जल्दी निकालना है एबी और एसी की वैल्यू निकालनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी क्या होगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हाफ इनटू बीसी की वैल्यू क्या है बीसी की वैल्यू अभी निकालनी है हां क्या है BC है 14 BC की वैल्यू 14 है 14 इनटू OD की वैल्यू कितनी है 4 कैंसिल करेंगे तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो OBC की वैल्यू आई OBC। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA OCA का एरिया क्या होगा हाफ इनटू AC इनटू OF यानी कि हाफ इनटू AC की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स
OF की वैल्यू, हाँ OF की वैल्यू 4 होगी, 2 6 प्लस x, यहां से यहां तक की जो दूरी है यहां से यहां तक की वही दूरी होगी, यहां से यहां तक की वही दूरी होगी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCA निकला 2 ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस x, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB निकाल लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल